पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की है। सचिन पायलट की अजय माकन से मुलाकात तब हुई है जब राजस्थान में जनवरी 2021 में सियासी नियुक्तियों को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। इसमें राज्य कांग्रेस समिति का पुनर्गठन भी सम्मिलित है। राजस्थान कांग्रेस में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर पायलट गुट को आशा है कि उन्हें इसमें स्थान मिलेगा, जिन्हें पार्टी के अंदर गहलोत गुट से तकरार के पश्चात दरकिनार किया गया था। फिलहाल सचिन पायलट की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के अगले हफ्ते जयपुर जाने की आशंका है। जयपुर के इस सफर के दौरान अजय माकन की सभी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात और गहलोत सरकार के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की रणनीति है। वास्तव में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और कई सियासी नियुक्तियां होनी हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तकरार के कारण इन विषयों को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया जा सका था, लेकिन शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक के बाद आगे की योजना निर्धारित की गई है। वहीं सूत्रों का कहना था कि सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर शनिवार को ही मीटिंग में राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को समाप्त करने के सिलसिले में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से आमने सामने बैठकर बात की। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अजय माकन और पायलट की मुलाकात राजस्थान की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।